अभी दिखाएंगे कहीं भी चीज को देखकर कैसे स्टिल लाइफ कर सकते हैं। पिछली बार मैंने दिखाया था फोटोग्राफी देखकर कैसे स्टिल लाइफ करते हैं। देखिए कैसे माप लेते हैं, ऐसे आँख एक आँख बंद करके माप लेना पड़ेगा। पहले ऊपर का मैंने माप लिया, उसके बाद नीचे का लंबाई का माप लिया कितना हुआ, ऐसे करके माप लेना होता है। देखिए पेंसिल कैसे पकड़ कर रखा है, कैसे पकड़ कर माप लेते हैं, देखिए ड्राइंग कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है सब स्टिल लाइफ का माप एक जैसा ही होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग माप होता है। पीछे में जो ग्रीन कलर का जो कपड़ा दिख रहा है उसको ड्रापरी बोलते हैं, जो रखा हुआ है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है, उसका माप भी अलग अलग होगा, उसको जो मेजरमेंट करना है वो अलग अलग करके मेजरमेंट करना पड़ेगा। मैंने एक दिखाया हुआ है कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, प्रोसेस सेम ही होगा लेकिन माप अलग अलग होगा और उसका मेजरमेंट भी अलग अलग होगा। आपको खुद इस प्रोसेस से देखकर आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। और एक बात है आपको बताना भूल गए, जो कोई हम लोग मूर्ति का भी स्टिल लाइफ करते हैं, मूर्ति में जो स्टिल लाइफ करते हैं वहाँ पर ओलोन यूज़ करते हैं। क्या होता है, ओलोन के ऊपर रस्सी बनकर सीधा देखते हैं तो क्या होता है, हम जो मूर्ति के मिडल में वो रस्सी को रखते हैं तभी क्या होता है, मिडल से एक लाइन खींचने पर दोनों साइड कितना में दिख जाता है। शायद अभी आपको बात मेरी बात समझ में नहीं आए, ट्राई करेंगे ओलोन को लेकर एक और वीडियो बनाने, कैसे मूर्ति वगैरह स्टिल लाइफ कर सकते वो भी दिखाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख सकते, ट्राई करेंगे उसका जवाब देने।
जितना हो सके उतना आहिस्ता आहिस्ता करके आपको दिखाया है कैसे स्टिल लाइफ कर सकते हैं। पहले जब माप लेना होगा तब माप तो लेकर पेज में हम पहले रफ करेंगे ड्राइंग। रफ ड्राइंग करने के बाद जब पूरा माप लेना ख़त्म हो जाएगा, जब सही होगा, जब एक आँख बन के बंद करके जब वहाँ पर देखेंगे जो कितना माप हो रहा है, उसके हिसाब से जब यहाँ पर माप लेंगे, जब सेम होगा, तब जब मेज़रमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसको हल्का करके इरेस करके पूरा डिटेल्स में करना पड़ेगा। देखिए कैसे मैंने माप लिया था, जो आपको तो दिखाया है, जो क्या होता है पेंसिल का ऊपर, जो देखिए घड़ा का जो ऊपर है, मैंने वहाँ पर माप लिया, वहाँ पर जो लंबाई है उसके चौड़ाई है उसके हिसाब से लंबाई थोड़ा छोटा है, ठीक है। ऐसे ही माप लेना पड़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग माप होता है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस सेम ही है। ड्रापर ही एक कलर में ही होगा, वहाँ पर दूसरा कलर का प्रिंट नहीं हो सकता है, कलर अलग अलग भी हो सकता है, येलो ग्रीन जो भी हुआ, लेकिन एक कलर में ही होगा।